भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने एक और यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। ये यूनिट गुजरात के सानंद में लगाई जाएगी। अब चर्चा है कि पीएम मोदी को ब्रुनेई यात्रा से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। भारतनेट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने एक और यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। ये यूनिट गुजरात के सानंद में लगाई जाएगी, जिस पर 3,307 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे पहले भारत में ऐसी 4 और यूनिट को मंजूरी दी जा चुकी है। अब चर्चा है कि पीएम मोदी को ब्रुनेई यात्रा से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। आधुनिक तकनीक का अहम हिस्सा सेमीकंडक्टर यानी छोटी सी चिप बनाने का प्रोसेस बेहद जटिल है और भारत में अभी जितना भी उत्पादन हो रहा है वो कम है। इस पूरे मामले में दुनिया भर में ताइवान पहले नंबर पर है। चीन में भी अच्छी खासी तादाद में चिप का उत्पादन होता है। दुनिया का दादा अमेरिका से लेकर तमाम देश इन्हीं 2 देशों पर चिप के लिए निर्भर है। आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण ताइवान और चीन को दुनिया भर के देश पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं और भारत में इसके उत्पादन का क्या हाल है और उसके सामने कितनी चुनौतियां हैं। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस वायरलेस नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटरिंग, 5G, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, IoT, रोबोटिक्स, ड्रोन, गेमिंग से लेकर जेट तक में होता है। चिप के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका दुनिया भर में सबसे अव्वल है, पर इसका उत्पादन नहीं कर पाता। इसकी असेंबलिंग से लेकर पैकेजिंग और टेस्टिंग में ताइवान सबसे आगे है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका से ही एक ताइवानी युवक ने इसका महत्व सीखा और अपने देश को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। 1960 से 70 के दशक की बात है। शीन चीन ताई नामक एक ताइवानी युवा पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। तब अमेरिका माइक्रोचिप के जरिए कंप्यूटर क्रांति शुरू कर रहा था। अमेरिका में ग्रेजुएशन करने के बाद चीन ताई ने वहीं की बेरोस कॉर्पोरेशन में मेमोरी चिप्स बनाने शुरू किए। तभी ताइवान में पेट्रोल डीजल का संकट शुरू हो गया तो चीन ताई ने अपने देश का रुख कर लिया। ताइवान की सरकार को चीन ताई ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करने का आइडिया दिया और देखते ही देखते आज दुनिया के 78% चिप बाजार पर ताइवान का कब्जा है। अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड AI और क्वांटम कंप्यूटरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली 90% चिप का उत्पादन करती है। एप्पल जैसी कंपनी की कस्टम चिप हो या CPU और GPU सबका उत्पादन यही कंपनी करती है। साल 2022 में TSMC का कारोबार $73.86 बिलियन बताया गया था। 2021 में इसका टर्नओवर $57.39 बिलियन का था। इस कंपनी में ताइवानी सरकार ही सबसे बड़ी शेयर धारक है, जबकि ताइवान स्टॉक एक्सचेंज की 30% हिस्सेदारी है। TSMC के करीब 56% शेयर आम जनता के पास है, वहीं शेयर संसाधनों के पास 38% शेयर है। आज भी दुनिया में 2 ही कंपनियां 10 नैनोमीटर से छोटे चिप बनाती है। इनमें एक तो TSMC ही है और दूसरी दक्षिण कोरिया की सैमसंग। ये कंपनी 3 नैनोमीटर के चिप भी बना रही है और 2025 तक 2 नैनोमीटर के चिप बनाने की भी तैयारी कर चुकी है। जहां तक चीन की बात है तो आज भी इस मामले में ताइवान से 1300 मील दूर है। यही कारण है कि चीन की कंपनियां ताइवान के इंजीनियर्स को चिप बनाने के लिए हायर करने के लिए 500% तक अधिक वेतन देने के लिए तैयार रहती हैं। हालांकि ताइवान से पीछे होने के बावजूद अमेरिकी चिप कंपनियों के लिए चीन बड़ा बाजार है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बिक्री में चीन का एक तिहाई योगदान है, पर कुछ अमेरिकी कंपनियों का 60-70% राजस्व चीन से ही आता है। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो अमेरिका में चिप बनाती हैं, पर उनकी असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए चीन भेजा जाता है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 5 सालों में चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 40% तक की वृद्धि होगी। ताइवान और चीन को किसी भी देश के लिए पीछे छोड़ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अमेरिका जैसे देश में इसके लिए नई फैक्ट्रियां लगाने में काफी साल लग जाएंगे, फिर निपुण इंजीनियर जुटाना सबसे टेढ़ी खीर है। वहीं ताइवान के सिंचू में 2 प्रमुख विश्वविद्यालय, नेशनल यांग मिंग चियाओ तुंग यूनिवर्सिटी और नेशनल तिसंग हुआ यूनिवर्सिटी केवल सेमीकंडक्टर चिप बनाने के प्रशिक्षण के लिए जानी जाती है। इनसे पढ़कर निकले युवाओं को तुरंत सिंचू में ही स्थित सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। यहाँ तक कि ताइवान की कंपनी TSMC डिजाइन के मुताबिक चिप का उत्पादन करती है। चिप बेचने वाली कंपनियां अपनी डिजाइन इसे देती है और TSMC
उन्हें अपडेट कर लौटा देती है। चिप का ऐसा प्रोडक्शन करने वाली कंपनी फाउंड्री कही जाती है और TSMC और दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री कंपनी बन चुकी है। वहीं चिप बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका की इंटेल, जिसके लिए भी TSMC ही चिप बनाती है। चीन और ताइवान की कंपनियां दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपनी प्लांट लगा रही है। केवल TSMC 3 देशों में अपने नए प्लांट शुरू करने जा रही है। जर्मनी के ड्रेस्डेन में यूरोपीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ इसने समझौता किया, जिसके अनुसार साल 2027 तक वहां नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस कंपनी का अमेरिका के एरिजोना में बन रहा प्लांट मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगा। तीसरा प्लांट जापान के कुमोमोटा में इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसी तरह से चीन की कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि ताइवानी इंजीनियरों को हायर कर अपना विस्तार करती रहें। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी यहां सालाना लगभग 2000 चिप ही डिजाइन किए जाते हैं, जबकि साल 2026 तक यहां सेमीकंडक्टर की खपत $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन चलाया जा रहा है। वर्तमान टाटा एलेक्सी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, SPL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, AMM टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रतनशाह इंटरनेशनल, रेक्टिफायर लिमिटेड जैसी कंपनियां चिप उद्योग से जुड़ी हैं। अब भारत चिप उत्पादन के लिए 5 यूनिट स्थापित कर रहा है। इनमें से एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और PMMC के संयुक्त उद्यम के तहत धोलेरा में बनेगा, जिसमें सालाना 3 बिलियन चिप निर्माण का लक्ष्य है। नए घोषित केयंस सेमिकॉन के प्लांट में सालाना 63 लाख चिप बनेगी। गुजरात में 4 प्लांट के अलावा टाटा समूह एक प्लांट असम में भी लगाएगा। चिप इंडस्ट्री के लिए भारत में अभी कई चुनौतियां हैं, जिनमें से सबसे आगे है सप्लाई चेन, फिर कच्चा माल, उपकरण, टेस्टिंग फैसिलिटी, कुशल श्रम की उपलब्धता भी होनी चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट में दुनिया में अमेरिका अव्वल है, पर भारत को अभी इस दिशा में काफी काम करना है। इसके बाद भारत को रिसर्च और डेवलपमेंट में अमेरिका मुकाबला करना होगा। चिप निर्माण में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन से कड़ी टक्कर होगी। सबसे खास बात तो यह है कि ताइवान की कंपनी जहां 2 नैनोमीटर का चिप बनाने जा रही है, वहीं भारत में 90, 55, 50, 28 नैनोमीटर के चिप बनाने की तैयारी अभी भी है। बाद में इसे 22 नैनो तक बढ़ाने का प्लान चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में भारत कितना और विकसित होगा और किस तरह से आगे और तरक्की करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।